आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। पापा ने मुझे खामखा आपके पास भेजा है, वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है डॉक्टर अंकल। मैं जानता हूँ बेटे तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर ठाकुर साहब की तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार चेक कर लेता हूँ। बैठो, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगी। ओके डॉक्टर। रिलैक्स, रिलैक्स योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स योरसेल्फ। मतलब अपने हाथ पाव बिल्कुल ढीले छोड़ दो, अपने दिमाग पर कोई भी बोझ मत रखो, और अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दो। इसे गौर से देखो और अपना पूरा ध्यान इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखती रहो, देखती रहो। अब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं, अब तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। अब तुम सो रही हो, सो रही हो। अब तुम सो चुकी हो। जासमीन, कोई पिछली बात याद करो, कुछ साल पहले। निकालो अंकल, अंकल मुझे बचा लो। जासमीन कहाँ हो तुम? वीराने में। मुमकिन है? क्या कह रहे हैं आप? मैंने जासमीन की आवाज भी रिकॉर्ड की है, लेकिन ताजू की बात तो ये है कि वह आवाज जासमीन की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म के अंदर से कोई और बोल रहा है। मैं जासमीन नहीं, मैं जासमीन नहीं हूँ। मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी।